देखो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो। और ये भी जो क्वेश्चन है समझ रहे ना, वो तो मैं तुम्हें इतना टाइम ले रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। देखो ये एक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है तो कुछ लोगों को तो ये रिजल्ट ही याद है क्योंकि ये थ्योरी में पढ़ाया ही जाता है। अब जिसको रिजल्ट याद है वो डायरेक्ट टिक करके आ जाएगा क्योंकि वो उसको पता है ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। कोई भी गाड़ी अगर इंक्लाइन प्लेन पे मुड़ती है, ये इंक्लाइन प्लेन है और उधर से व्हीकल आ रही है, ठीक है, उधर से व्हीकल गाड़ी आ रही है, बोर्ड के अंदर से एक गाड़ी आ रही है इस टाइप से, ठीक है भाई, रोड पे, रोड जहाँ हम मुड़ते हैं, रोड पे जब हम मुड़ते हैं, समझ रहे ना, ये सब मैंने बहुत पढ़ाया थ्योरी में। जब कभी भी हम रोड पे मुड़ते हैं, मोड़ पे मुड़ते हैं, ठीक है, तो जो मोड़ पे थोड़ा सा जो रोड होता है वो डिल्ट होता है थीटा डिग्री। ये देखो ये हॉरिजेंटल रोड है, अब ये हॉरिजेंटल नहीं है यार, ये हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर है। तो ये जो डिल्ट है इस पर जब हम मुड़ते हैं तो उसकी एक स्पीड लिमिट होती है, वही स्पीड लिमिट हमें याद है। अगर जिसको याद नहीं है वो डिराइव करेगा, क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करेगा तो चलो एक बार हम कर लेते हैं, ठीक है, एक बार आपके लिए मैं कर देता हूं यहां पे, ठीक है। कि अगर कोई इन मोड़ है, रोड है, और वो रोड जो है थोड़ा सा डिल्ट होता है और उधर से सामने से गाड़ी आ रही है, अंदर से गाड़ी आ रही है, ठीक है, और ध्यान देना कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन वो किसी प्लेन में होता है। अगर गाड़ी यहाँ है तो वो ये जो प्लेन है वो प्लेन है जिसमें सर्कुलर मोशन होगा। ये तो इंक्लाइंड प्लेन है यार, ये तो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ये वो प्लेन है जिसमें सर्कुलर मोशन होगा और ये उस स्पेशल रेडियस है। अब अगर गाड़ी यहाँ पर है तो उस पर कितने फोर्सेज लग रहे हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो नॉर्मल है इंक्लाइंड प्लेन इधर की डायरेक्शन में लगाएगा, अर्थ लगाएगी एमजी, वो सीधी लगाएगी यार, ठीक है, अर्थ लगाएगी एमजी, वो सीधी लगाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है, मैं इतना अच्छे से इसको थ्योरी में पढ़ाया हूँ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो ध्यान देना, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, अब ये अब रोड डिल्ट हो गया। अगर इधर से गाड़ी आ रही है, मेरे साइड से उधर जा रही है, तो एक्चुअली जो गाड़ी है वो पहले सीधी आ रही थी यार, सीधी आ रही थी, तो गाड़ी की जो टेंडेंसी होगी, अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो गाड़ी की यहाँ दो टेंडेंसी होगी, ठीक है, अगर बहुत स्पीड कम है तो डिल्ट पे गाड़ी नीचे आ जाएगी, लेकिन हम ऐसा होता नहीं है, जनरली हम हाई स्पीड रखते हैं, तो स्पीड ज़्यादा है एक लिमिट, तो गाड़ी की जो टेंडेंसी होती है वो बाहर जाने की होती है, इस प्लेन से बाहर जाने की। तो जो उसके व्हील है, जो पहिए हैं, वो इस ग्राउंड से, ग्राउंड ऐसा है यार, ग्राउंड से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के नीचे यहाँ पे लगेगा भाई, देखना ध्यान से समझना, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड। ये तीन फोर्सेस मिलके उसको सर्कुलर मोशन कराएंगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ कि जिस तरह से बिना दूल्हे के शादी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसी तरह से बिना सेंटीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन या कर्व मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है, ये भी एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें फ्रिक्शन रिजॉल्व किसको करना पड़ेगा, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हमें सभी फोर्सेस अलोंग द रेडियस या इस प्लेन के, सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। तो भैया मुझे फ्रिक्शन और नॉर्मल को तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो रेडियस के अलोंग आ रहा, जब कभी भी सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सभी फोर्सेज अगर यहाँ पर है तो सभी फोर्सेज या तो इस लाइन में आना चाहिए या तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आने चाहिए, ठीक है, तो मुझे नॉर्मल और फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, चलो, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर एन कॉस थीटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर के लॉन्ग एन साइन थीटा, ठीक है, तो उसी तरह से फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट सेंटर के एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट वर्टिकल जाएगा एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा एम जी एन कॉस थीटा को बैलेंस कर लेंगे, और जो एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा है जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं वही
जाके सेंटीपीटल बन जाएंगे ना, रियल फोर्सेज सेंटीपीटल का नाले लगेगा। ठीक है, कहानी सुनाया हूँ ना वो, जिस तरह से आदमी जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन कॉस थीटा वाई एक्सिस में एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा उसी प्लस एम जी के इक्वल होगा, क्लियर है। और एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर, और यही हम लोगों को चाहिए भी। ठीक है, मुड़ने से देखो, इसे डिल्ट करने से फ़ायदा क्या है, डिल्ट करने से फ़ायदा है नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटीपीटल दे रहा है। पहले हम फ्रिक्शन पे बिलीव करते थे, लेकिन फ्रिक्स अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर देता हूँ तो फ्रिक्शन के साथ साथ एक और नॉर्मल भी आ जाता जो हमें स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, मुड़ने में आसानी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ थ्योरी में। ठीक है, चलो अब हमें बी निकालना, बी निकालने के पहले मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा एन एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू, एन हो गया, एन कॉमन हो गया, माइनस एन साइन थीटा दैट इज एम जी। अरे समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन नॉर्मल, तो यहाँ से नॉर्मल मुझे दिखने लगेगा एम जी। ठीक है, एम जी कॉस थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, ये है भैया नॉर्मल आ गया। अब इस नॉर्मल को उठा के दो में रख दोगे, ठीक है, इस नॉर्मल को उठा के इस वाले में रख दो सेकंड इक्वेशन में, तो एन साइन थीटा, एन साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है म्यू एन, तो म्यू एन कॉस थीटा और सेंटीपीटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो ये एम बी स्क्वायर ओवर आर और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो एम जी, एम जी अपन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये आ गया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया एम बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो मतलब एम ने एम को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे छोटी गाड़ी अल्टो आ रही है, नैनो आ रही है, ट्रक आ रहा है, हाथी आ रही, घोड़ा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। मास मुड़ने से मास ने मास को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सेंटीपीटल फोर्स उस वक्त मास पे डिपेंड नहीं, मुड़ने की जो स्पीड है वो मास पे इंडिपेंडेंट है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आर जी और कॉस से डिवाइड कर दो तो वन प्लस म्यू, वन कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो तो म्यू प्लस टेन थीटा, कर लोगे ना इसको, कॉस से डिवाइड कर वन माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, और ये सब आ गए रूट के अंडर। ये जो स्पीड है वो एक मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड से मुड़ोगे तो गाड़ी बाहर चली जाएगी। ठीक है, और एक लिमिट से स्पीड कम रहती है तो गाड़ी नीचे भी आ जाएगी, है ना, इंटरेस्टिंग बात। मतलब एक खास एक वेलोसिटी का रेंज है यहाँ सा, जहाँ हमसे मुड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ज़्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी बाहर चली जाएगी, एक बहुत कम स्पीड होगी तो गाड़ी नीचे स्लाइड कर जाएगी। एक वेलोसिटी का स्पेशल रेंज है जहाँ पे आराम से मुड़ो ना मजे से। ठीक है,